Welcome students. Today I am going to teach you the next chapter of your book. The name of the chapter is Economic Reforms since 1991. These reforms are also known as New Economic Policy. What are economic reforms? We have to understand first. These are set of economic policies that has been taken by the government to accelerate the growth and development in the economy. अब हुआ क्या, हमारी इकॉनमी ड्यूरिंग 90s के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए जिसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है इन क्राइसिस से बाहर निकल सके. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. दैट मीन्स ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमारी इकॉनमी को. तो पहला है हाई फिस्कल डेफिसिट. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस. सो whenever expenditure of the government is greater than revenue of the government, that lead to borrowing. Because अगर आपकी जितनी income है उससे ज़्यादा अगर आप spend कर देते हैं, that means अगर आपको वो ही expenditure आपको continue रखना है तो you have to borrow. Okay? So government is borrowing from various areas. For example, rest of the world they are borrowing from public, that means the general public they are borrowing. तो इसी borrowing को कहा गया fiscal deficit. अब हुआ क्या कि fiscal deficit की जो condition थी हमारी country में, अगर हम बात करें 1981 से 1982 तक, तो 5.4% जो था हमारा GDP का वो हमारा fiscal deficit था. लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की बोरोइंग थी, ये बढ़ते बढ़ते हमारी 1990 से 1991 की बात करें तो ये 8.4% ऑफ जीडीपी हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो बोरोइंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट भी उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. अब इसकी वजह से ये हमको क्या शो करता है, अगर इकॉनमी में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो ये क्या शो करता है? It shows that the poor financial health of the economy. That means it shows poor financial health of the economy. Because आपकी economy में इतनी income नहीं है, that is why you are borrowing. That is why it shows the poor financial health of the economy. Second, inflation. It led to the inflation in the economy. इन्फ्लेशन दैट मीन्स द इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी. तो जितना भी अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट हिंडर्स द ग्रोथ प्रोसेस इन द इकॉनमी. थर्ड, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इट डिक्रीजेज द फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. सी व्हाट हैपन इज कि अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करती है बाहर की कंट्री से, जितना ज़्यादा आप बोरो करेंगे दैट मीन्स आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपकी डिक्लाइन हो जाएगी. क्रेडिट रेटिंग का मतलब है ये गवर्नमेंट जो है उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, जिसकी वजह से जो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो कर्ज़े में डूबी हुई है. अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ वाई इट डिक्रीज द फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का जो फेथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा. देन नेक्स्ट है आपका, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो है इट लीड टू डेट ट्रैप ऑफ द गवर्नमेंट. डेट ट्रैप का क्या मतलब है? डेट ट्रैप का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं
आपने जो अपना इंटरेस्ट पेमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ आपने कहीं से बोरो किए हैं और आपको इंटरेस्ट उसके पे करना है, लेट से 2%, दैट मीन्स आपको 2 रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, फाइनेंशियल हेल्थ, जिसकी वजह से आपको वो जो 2 रुपीज़ जो आपको पे करना है उसके लिए भी आप बाहर से बोरो कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट लेड टू डेट ट्रैप. नेक्स्ट है BOP क्राइसिस. BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट शोज दैट हाउ आवर कंट्री इज इकोनॉमिकली इंटरलिंक विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स इट शोज द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंट्री. ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, आपकी कंट्री किस तरह से इकोनॉमिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरलिंक्ड है, वो जो स्टेटमेंट है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करता है. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का क्या मतलब है कि हमारा जो BOP है, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है हमारा, वो डेफिसिट में चला गया है. अब डेफिसिट का क्या मतलब है? दैट मीन्स योर टोटल पेमेंट इज ग्रेटर देन योर टोटल रिसीट्स. आपकी जो टोटल पेमेंट है वो टोटल रिसीट से ज़्यादा है. इसका मतलब ये है योर नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन योर नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. दैट मीन्स आपका जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो इज मोर. इसकी वजह से क्या होगा आपका, अगर फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स अ फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री से ज़्यादा चली जाएगी, जितना आपकी वहाँ से आ नहीं रही है एक्सपोर्ट के थ्रू, उतनी ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट के थ्रू जा रही है, इसका मतलब क्या है? इट विल डिक्रीज द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑफिशियल रिजर्व्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो डिक्लाइन हो गए. तो ये जो BOP डेफिसिट है ये क्यों हुआ था, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, रीजंस क्या है इसके? फर्स्ट रीजन है इसका बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? इट शोज दैट इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे उतना ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे थे. दैट मीन्स कि जो हमारी कंट्री के जो इम्पोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. दैट मीन्स हमको बहुत ज़्यादा पैसा जो है बाहर की कंट्री में आउटफ्लो करना पड़ रहा है और हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं. और वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग इन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट. सेकेंड रीज़न क्या है? बिकॉज द बोरविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस. बोरविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस. तो ये हमारी जो BOP क्राइसिस है इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत ही कंपेल होना पड़ा कि उन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े. और थर्ड रीजन क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे. यहाँ तक कि हमारा जो रिज़र्व है वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया कि हमारे पास जो इम्पोर्ट बिल है, जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, इम्पोर्ट बिल जो है वो हमारा 10 दिन के लिए भी नहीं बचा था. दैट मीन्स अगर आप जितना भी इम्पोर्ट कर रहे हैं 10 दिन के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे हैं आप उसको इम्पोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने जो गोल्ड रिज़र्व्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के पास हमको एज ए मॉर्गेज रखने पड़े, ताकि हम जितने भी हमारे डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट कर सकें और उनको हम फुलफ़िल कर सकें. फोर्थ रीज़न क्या है? फोर्थ रीज़न है हमारा इन्फ्लेशनरी
स्पाइरल। दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया था? बिकॉज ऑफ हमारी इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई थी। मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ हुई, यहाँ समझते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज़्यादा थे उनकी रिसीट से। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों थे? बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की ज़रूरत थी, डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में उनको एक्सपेंड करना था, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है बैकवर्ड इकोनॉमी से, स्टेग्नेंट इकोनॉमी से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बन सके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया। जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो जितने उनके रिसीट थे, जितने भी उनके रिसोर्सेज थे, वो सारे ख़त्म होने लगे और उनको बाहर से बोरो करना पड़ा। जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है दैट मीन्स दे आर बोरोइंग फॉर स्पेंडिंग पर्पस। अगर वो इकॉनमी में स्पेंड करती है दैट मीन्स दैट लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। जब इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इकॉनमी में जितना ज़्यादा मनी सप्लाई है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा उसकी वजह से भी बहुत जो हमारी इकॉनमी है उसने जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हो गए थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो PSUs हैं उनमें उनकी एक मोनोपोली टाइप में हो गई थी बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्शन एरिया थे इनके लिए रिज़र्व कर दिए थे, इनकी एक मोनोपोली टाइप में हो गई थी। जब इनकी मोनोपोली हो जाएगी तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से वर्क करने लगे बिकॉज इनको कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना था। जब इन्होंने इनएफिशिएंट तरीके से वर्क किया तो बहुत ज़्यादा ये लॉस मेकिंग हो गई बिकॉज आप इनएफिशिएंट तरीके से वर्क करो दैट मीन्स आप जो की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप लॉस मेकिंग PSUs बन गए हैं, जो कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनका बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था। तो वेस्टेज होने की वजह से और यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो गया, तो इसकी वजह से भी ये जो सारे रीजंस हैं इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को बहुत ही कंपेल होना पड़ा, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो इकॉनमी में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए ताकि हमारी जो इकॉनमी की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।